हेलो फ्रेंड्स, आईक्यू एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का मॉडल पेपर। इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। सब्जेक्टिव के लिए नेक्स्ट वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, वो है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्या किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, ये आप याद रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? क्या दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो टू का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। क्या एफ बराबर आर बाई टू, ऑप्शन नंबर बी। थ्री नंबर क्वेश्चन है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। फोर नंबर क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? क्या श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। फाइव नंबर क्वेश्चन है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो फाइव का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है? तो सिक्स का आपका राइट आंसर है, वो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। क्या प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। सेवन नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? क्या किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो सेवन का आपका राइट आंसर है, वो है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। आठ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एट का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। नौ नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो नाइन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर ए। दस नंबर क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था और बाम हस्त के नियम फ्लेमिंग ने। तो इसका 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। क्या विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समांतर क्रम। क्या समांतर क्रम, ऑप्शन नंबर बी। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा काल्पनिक, ऑप्शन नंबर ए, काल्पनिक। 14 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.6 × 10^6 जूल, ऑप्शन नंबर सी, 14 का ऑप्शन नंबर सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का
प्राथमिक वर्ण कौन है? क्या प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाल, नीला, हरा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? क्या निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आयरिस, ऑप्शन नंबर डी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर होता है। तो 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 20 नंबर क्वेश्चन है, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है? अवतल लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है या अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है? तो 20 का आपका राइट आंसर है वो है उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है, क्या एम्पियर घंटा मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आवेश का, ऑप्शन नंबर बी, आवेश का। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जूल पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए, क्या जूल पर सेकंड। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। तो 24 का आपका राइट आंसर है वो है एम्पियर, ऑप्शन नंबर ए, एम्पियर। 25 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा CO2। 26 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपचयन, ऑप्शन नंबर ए, उपचयन। 27 नंबर क्वेश्चन है, काली चूना पर जब जल डाला जाता तो अभिक्रिया होती है? तो 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उष्माक्षेपी। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील सोडियम होता है, लेकिन इसमें सोडियम दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, चूना जल का रासायनिक सूत्र है, क्या चूना जल का रासायनिक सूत्र है? तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा CaOH2, ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, क्या कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो उसका pH मान होगा, तो ये क्षार होगा, इसलिए क्षार का pH मान शायद 7 से 14 के बीच में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि 7 से 14 के बीच में 11 और 10 दोनों आते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 31 नंबर क्वेश्चन है, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? जिसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? क्या ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर ए, C6H12O6। 33 नंबर क्वेश्चन है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, प्लास्टिक कहलाते हैं या रबर कहलाते हैं? तो 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा साबुन, ऑप्शन नंबर ए, साबुन, क्या साबुन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 34 नंबर क्वेश्चन है, CHO, क्या CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं? CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं?
एल्डिहाइड कहते हैं या एल्कोहल कहते हैं या कीटोन कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए एल्डिहाइड। 35 नंबर क्वेश्चन है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ऑप्शन नंबर डी बढ़ती है। 35 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं, लिथियम ऑक्सीजन कार्बन बेरिलियम फ्लोरीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी। 37 नंबर क्वेश्चन है सिलिकन क्या है, क्या सिलिकन क्या है। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उपधातु, सिलिकन जो है वो उपधातु है, ऑप्शन नंबर सी। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, क्या निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, विद्युत धनात्मक तत्व है। तो 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम, ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन है टिहरी बांध का निर्माण, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर क्वेश्चन है निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी सोडियम को, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता तो जल जाता है, इसलिए इसे केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं सर्फेक्सल बनाए जाते हैं, शैम्पू बनाए जाते हैं या ईजी बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ये सब अपमार्जक से बनाए जाते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, क्या सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर बी, सिलिकॉन का उपयोग सौर सेल में होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सीएनजी, सीएनजी का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। 44 नंबर क्वेश्चन है टू सी यू है ऑक्सीकरण अपघटन उदासीनीकरण विस्थापन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, इसलिए ऑक्सीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 47 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, क्या निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। तो 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा CH3COOH, ऑप्शन नंबर सी CH3COOH। 48 नंबर क्वेश्चन है क्रायोलाइट अयस्क है, क्या क्रायोलाइट अयस्क है, तांबा का है या लोहा का है या मैग्नीशियम का है या फिर एल्यूमिनियम का है। तो 48 का आपका राइट आंसर है, वो है एल्युमिनियम का, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम का। 49 नंबर क्वेश्चन है पोटेशियम की परमाणु संख्या है, क्या पोटेशियम की परमाणु संख्या है 19, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन है फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम है, फॉर्मिक अम्ल का आयुपैक नाम है। 50 का आपका हो जाएगा मेथनोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल को आयुपैक नाम मेथनोइक अम्ल होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है, क्या इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C2H5OH, क्या C2H5OH। 52 नंबर क्वेश्चन है एल्काइन कौन है, इनमें से एल्काइन कौन है।
तो 52 का आपका राइट आंसर है C2H2, ऑप्शन नंबर ए, क्या C2H2। 53 नंबर क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, क्या चीनी का रासायनिक सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11, यह चीनी का रासायनिक सूत्र है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंध की संख्या है, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर डी 3। 55 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंकुरित बीज, ऑप्शन नंबर बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो 56 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्सर्जन, क्या उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर सी। 57 नंबर क्वेश्चन है, पौधों में जाइलम निम्नांकित में से किसे परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो जाइलम पानी के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 58 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CO2, ऑप्शन नंबर ए। 59 नंबर क्वेश्चन है, फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है, तो इसका 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इथिलीन, क्या इथिलीन, ऑप्शन नंबर सी। फलों को पकाने को निम्न में से किसे नियंत्रित किया जाता है, तो इथिलीन को, ऑप्शन नंबर सी। 60 नंबर क्वेश्चन है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेंड्राइट, क्या डेंड्राइट, ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, क्या निम्नांकित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एड्रिनेलिन, क्या एड्रिनेलिन, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक यानी कि ऐच्छिक क्रिया है, उल्टी को हम नहीं रोक सकते हैं, अत्यधिक लार निकलना इसे भी हम नहीं रोक सकते हैं, दिल की धड़कन ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता, चबाना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा मन करेगा तो चबा भी सकते हैं नहीं भी चबा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 270 दिन, ऑप्शन नंबर ए। 64 नंबर क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1985, ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नांकित में से किसमें होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट, ऑप्शन नंबर ए। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो इसका राइट 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एवं सी दोनों, टीबी भी है निमोनिया भी है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते, तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेल्यूलोज, ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज। 68 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण है हाइपोटेंशन, ऑप्शन नंबर ए हाइपोटेंशन, 68 का ए, हाइपर टेंशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हाइपर टेंशन।
69 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा कसकुटा, कसकुटा ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़ों द्वारा, नीलय द्वारा, अलिंदों द्वारा या फिर इनमें से सभी? तो 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा नीलय द्वारा, नीलय द्वारा ऑप्शन नंबर बी। क्या नीलय द्वारा? ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैहिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैहिक जनन की विधि है। तो 71 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मुकुलन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए मुकुलन। 72 नंबर क्वेश्चन है, जनन संचारित रोग है, जनन संचारित रोग है सिफिलिस में, एड्स में या फिर गोनोरिया में या फिर इनमें से सभी? तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है क्या? पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ऑप्शन नंबर ए बाह्य दलपुंज। 74 नंबर क्वेश्चन है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो 74 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी। ए में पूछता तो यहाँ बी हो जाता है, और बी में पूछेगा तो ए होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं नियंत्रित करता है? तो 75 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंसुलिन। क्या? इंसुलिन, ऑप्शन नंबर ए। 76 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन है क्या? पादप वृद्धि हार्मोन है जिब्रेलिन। क्या? पादप वृद्धि हार्मोन जो है वह जिब्रेलिन है, ऑप्शन नंबर ए। 77 नंबर क्वेश्चन है, हार्मोन स्रावित होता है क्या? हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से या फिर बाह्य स्रावित ग्रंथि से, नालिका से या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतःस्रावित ग्रंथि से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ेदार ग्रंथि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तीन जोड़ी, ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, एंड्रोजन है क्या? एंड्रोजन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मेल हार्मोन, एंड्रोजन जो है वो मेल हार्मोन है, ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर क्वेश्चन है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडल ने, ऑप्शन नंबर ए। और इसका सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे, ये प्रकाश का अपवर्तन के नियमों के लिखे ये सब नेक्स्ट वीडियो में आपका करा दिया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।